विरले वांझे ही हुंदे सी लोक पहला अजकल बड़ी है भीड़ पंजाबियों की। विरले वांझे ही हुंदे सी लोक पहला अजकल बड़ी है भीड़ पंजाबियों की। रांझे लग पे गड्डियां करन चोरी ते बैठी जेल विच हीर पंजाबियों की। गुरु घरां विच खड़कदी डांग देखी डुल्ली फर्श ते खीर पंजाबियों की। ट्रांसपोर्ट विच ही इहो जी खिच छंडी टप्पी किसे ना लकीर पंजाबियों की। सियासत विच भी इन्हां ने पैर पाए ते बदल गई तस्वीर पंजाबियों की। मक्खन बराड़ जो मेहनती लोग इत्थे बदल गई तकदीर पंजाबियों की। बदल गई तकदीर पंजाबियों की ये लाइना ने जी मशहूर शायर मक्खन बराड़ साहब दियां। इन्हां लाइनां नाल मैं हाजर हाँ जगतार सिंह जग्गी। सब तो पहले जस पंजाबी देखने वाले ते पंजाबी मां बोली नूं प्यार करन वाले प्यारे प्यारे पंजाबियों नूं मेरे वल्लों हमेशा जी तरह प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार आदाब सलाम हैलो है ते नाल दी नाल बहुत बहुत निघा स्वागत अज दे लाइव शो दे विच। काफ़ी दिनों बाद अज दा लाइव शो लैके हाज़र हाँ। पता सी सारिआं नूं कि यूबा सिटी दे विच बिजी सीगे नगर कीर्तन देखिआ होएगा। तीन चार दिन प्रोग्राम असीं उत्थों दिखाए ने तुसीं सारिआं ने देखिआ होगा आनंद माणिआ होगा। ये जिहड़ा शेयर लिखिआ मक्खन बराड़ साहब ने ये मैनूं लगदा वी ताज़ा ताज़ा लिखिआ ताज़ा ताज़ा तो का भावे है। वैसे तो खैर ताज़ी गल सारिया ही ताज़िया ने मैनू तां ज़्यादा ताज़े लगा कि गुरु घरां विच खड़कदी डांग देखी। क्योंकि अपने गुरु घरां विच जदों लड़ाई आम हुंदी पंजाबियों की पंजाबियों के कोई बाली वड्डी गल नहीं हैगी पर जदों किसी गुरु घर के माड़ी मोटी वेदा हुंदी आ उहदा सुनेहा पूरी दुनिया के बहुत माड़ा जाता है। यूबा सिटी का नगर कीर्तन बहुत वधिया रहा बहुत वधिया देखिया साडे दर्शकों ने पूरा सलाया लाइव कनेडा अमेरिका इंग्लैंड आस्ट्रेलिया सब जगह तो सानू मैसेज आए ने बहुत पसंद किया गया। इकट्ठ भी इस बार ठाठा मारदा सीगा पिछले साल कहा जाता सी 1.5-2 लाख संगत जिहड़ी पहुंची है तो इस बार अमेरिकन मीडिया मुताबक 3 लाख संगत जिहड़ी है वह गुरु घर पहुंची। जे अमेरिकन मीडिया नगर कीर्तन वाले दिन की गल करता भी 3 लाख संगत होएगी असी भी यह कहने इन्नी होएगी क्योंकि जिन्ना बहुत रश चार्ज फिरे जिधर मर्जी देख लो 2-3 मील तक इको जो माहौल से चाहे गुरु घर के अंदर नज़र मार लो चाहे सड़क पर मार लो बाहर चाहे लंगर च मार लो चाहे इधर उधर चाहे 2-3 मील उस पासे जिधर नगर कीर्तन जाता है इको जहा माहौल से। तो इस बार 3 लाख संगत जो पहुंची है तो इस तो पहले दिन 22 अक्तूबर तो शुरू हो गए थे कीर्तन उत्थे उदों बड़ी संगत पहुंची है। तो असी गल करिए शुक्रवार तो शनिवार संगत बड़ी पहुंची है कुल मिला के आई गई संगत जो असी लाइए तो फिर इस हिसाब के नाल 4 लाख तो उपर लोगों ने नतमस्तक होए होंगे यूबा सिटी गुरु घर के और एक बड़ी वड्डी चंगी गल है प्राप्ति है यूबा सिटी की संगत की गुरु घर की प्रबंधक कमेटी की। बाकी देखो दाद देनी बनती है प्रबंधक कमेटी भी प्रबंध बहुत वधिया सीगे बाथरूम आज तुसी जाने हो जिहड़े गुरु घर के बाथरूम है जिहड़े बाहर सीगे पोर्टेबल से उन्होंने गल नहीं करते उन्होंने बच्चे तो हम पता नहीं जो कोई जाता तो कोई साफ ही करता तो जो जिमें वरतना अपने हिसाब न वरतदा तो गंद जो पाते पैंता ही है। गुरु घर के बाथरूम की गल कर लिए कितने भी तुम्हें पानी का छिट्टा डुल्या नहीं नज़र आता कितने कोई लंबिया लाइन नहीं नज़र आई लेडीज़ वाले पास भी बंद वाले पास भी बिल्कुल क्योंकि बाथरूम बहुत ज़्यादा सफाई वाले बंद ये उन्होंने हदायत यह दी गई सी भी जो हाथ धोदा बंदा सिंक के बकायदा उन्होंने साफ नाल नाल करना बंदा जो कोई टॉयलेट जाता तो वो टॉयलेट जाने तो बाद अगले उ भेजने तो पहला वो सीट वगैरह सारी साफ साफ करके तो फिर अगले भेजना। सो बाकी भी आले दुआले सारा वधिया प्रबंध सीगा पर गल उत्थे आ गई गुरु घर विच खड़कदी डांग देखी। इत्थे भी कुछ मैं तो शरारती की कहिंदे हुंदे उही कहूँगा आंसर जिहड़े हुंदे ने जिहदा भी कसूर सी दोहां धिरां चों माड़ा सी ये सब तो मंदभागी घटना ये वापरी आ कि उत्थे दो धिरां दे विच थोड़ा बहुत लड़ाई जी हुई है डांगा डूंगा छोटे छोटे वीडियो मैं वीडियो देखी है। अच्छा उस मीडिया बड़ा कमाल है जिन्हों को उन्नी एक वीडियो मिली
फेसबुक असी नहीं दिखाई साडा असी उन्होंने कहा कि हालांकि प्रधान ने अनाउंस किया भी एक थोड़ा जा होया मैं क्या भी नहीं लोड घर दसन की नहीं नहीं पता किसी ये अपनी गल हुई आप इतने ही दब लेनी चाहिए तो मीडिया साड़ा जरा टुटा भजा मीडिया जिन कह सकते छोटा मोटा उन्होंने उन्ना क्लिप मिले ला के गुरु घर यूबा श्री नगर कीर्तन हुई लड़ाई चलिया डांगा चले बरशे ए हो गया कतलोगार्थ हो गया फलाना हो गया धमकड़ा हो गया इदा ही पहला सैक्रामेंटो नगर कीर्तन होया जो सैक्रामेंटो गुरु घर गोली चली सी उदों भी मीडिया ने यही नगर कीर्तन के चली गोली गोली भाई नगर कीर्तन के नहीं चली लड़ाई जिहड़ी आ उह नगर कीर्तन के नहीं हुई लड़ाई गुरु घर के हुई बाहर पिछले पास कितने लंगर वाले पास हुई है शायद जिथे पिछे लंगर सीगे पर जिमें भी हुई है माड़ी गल है सो ये चीज़ बहुत तंग करूगी सानू पंजाबियों नू और एक खास गल मैनू किसी ने दसी बंदे ने कहिंदे भी इस लड़ाई दे विच भी दो तीन बंदे जिहड़े वीडियो दे विच ने वो हर गुरु घर जिथे लड़ाई होंदी उत्थे गए होंदे स्टॉकटन लड़ाई हुई है तो स्टॉकटन भी वो दो बंदे वीडियो आए नज़र लिविंगस्टन हथों पाई होया लिविंगस्टन भी कहिंदे वो बंदे दो उस वीडियो आए तकरीबन तकरीबन हर गुरु घर जिथे लड़ाई होंदी है वो बंदे हैगे ने उन्होंने रैकोगनाइज करना चाहिए कमेटियां तो उन्होंने उन्हों का कोई ना कोई हल करना चाहिए ये इं लगता है कि कुछ एक बंदे वाकई जी असी बार बार गल करी दी है कुछ एक बंदे वार रखे ने सिखां दे पेस विच सिखां नू बदनाम कर दी इहो जिहे काम होणगे हुण 3 लख बंदा आया अगले साल परमिशन नहीं मिली की करोगे तुसीं इहो ही कबड्डियां दे विच है मेन की मकसद है कि सिखां दी पंजाबियां दी चढ़दी कला जिहड़ी है उहनूं डाउन किवें करना इधरले लोकां दीआं नज़रां दे विच कबड्डियां दे विच चढ़ती कला असं देखते दे, लखा लोगों का इकट्ठ हों अमेरिका तो कनेडा के कबड्डिया गोलियां चलनी शुरू हो गई जिथे जो किसी लगता है कि पंजाबियों का तो एक ही बड़ा है और यार फलानी जगह 3 लख बंदा इकट्ठा सी बड़े आराम ना शांति होया सारा कुछ हो शांति हो किमें गया यार कुछ करो सो ये चीज़ा बड़िया मंदभागियां है यदा सोचना पएगा चाहे कोई आपस के लड़ते हैं चाहे पंजाबी चाहे किसी का काम असी जिमें कहने होंगे वह है तो पर एक काम माड़ा है यू भाई रोको रोकना पेगा नहीं रोकोंगे तो नतीजे भुगतने लिए सानू तैयार रहना पेगा नगर कीर्तन की भी अज गलबात करांगे ब्रेक तो बाद जो भी तुहाडियां कालां आउणियां शुरू हो गईं तो उदों ही आपां फिर कालां लैणियां शुरू कर देवांगे तो ब्रेक तो पहला एक अद्धी खबर जिहड़ी होर खबरां पंजाब दीआं पढ़दे हुंदे आ वो पढ़ लैंदे आ जरूरी जिहड़ियां हुंदियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साड़ी सिरमौर संस्था हैगी आ उहदे प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने दो वारी बने ने पिछले दो टर्म ते तीजी टर्म भी उह अकाली दल दे उम्मीदवार हैगे ने ते कल नूं कहिंदे वोटां होणियां उत्थे तां अज हो गई 8 नवंबर नूं वोटां होणियां ते शाम तक पता लग जाणा पर बाकी धिरां जिहड़ियां हैगियां उह जिहड़े कुनस ने संत कुनस ने उन्होंने उम्मीदवार बनाया संत बलबीर सिंह कुनस नूं ते देखो बाकी हुंदा की है पर अगर अकाली दल का ही उम्मीदवार बनता तो धामी साहब हैट्रिक मार जाएंगे हैट्रिक मारते कि नहीं मारते जां बाकियों नूं की हुंदा किन्ना कु प्रभाव रहिंदा क्योंकि प्रकाश सिंह बादल साहब के प्रभाव विच ते सुखबीर बादल के प्रभाव विच जमीन आसमान का फर्क हैगा गलबात का हर चीज़ का नाल वर्करां नूं तुरन का सो इहदा किन्ना कु असर हुंदा पता लग जाएगा क्योंकि लंबा चौड़ा काम नहीं है मेरे ख्याल 200 कुछ वोटां हैगियां ने जिहदे चों 151 सरगर्म मैंबर ने 175 वोटां भुगतियां कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है तो कल नूं इह चीज़ अपने सामने आजूगी तो बाकी देखो की हुंदा की नहीं हुंदा तो विशा एक आपां नाल रखदा इह वी रख सकदे गल्लां तो खबरां तो कई है ब्रेक तो बाद भी पढ़ लवांगे लखे सधारे नूं गिरफ़्तार कीता क्यों इह वी आपां नूं पता कि एक स्कूल रामपुर फूल तो उन्होंने गिरफ़्तार किया है सर्व हितकारी विद्या मंदिर के नाम स्कूल ने ये पंजाबी जी है ये स्कूल कॉन्वेंट स्कूल जिन्होंने असी कह दीदा CBSE सिलेबस वाले स्कूल ने तो पंजाबी जी है उत्थे कहिंदे भी पढ़ाउण तो मना किया जाता सी पंजाबी बोलन तो मना किया जाता सी बच्चों के कड़े लवा के बाहर रख दिए जाते सी प्रिंसीपल उधर दा साउथ तक तो उन्हें पंजाबी नहीं आती तो लखा सधाणा ने कदम चुकया भी ये पंजाबी ये गलत है कदम सही लग्या उदा कदम सही लग्या उन्हें आवाज़ उठाई है
पर नाल दी नाल उस स्कूल दे विच फोटोआं लगियां ने हिंदू जिहड़े लीडर ने जां हिंदू कहोए ने जिन्हां दे ते चोह भाई ओह इह है ही जदों उहनां दे मतलब लोकां दा हिंदू जिहड़े इहदे ओनर ने वो हिंदू धर्म नाल संबंधित ने तो वो अपनियां फोटोआं लाउणगे। असीं हुण सिख धर्म नाल संबंधित जो खालसा दीआं अपनियां संस्थावां ने तो असीं भी उत्थे अपने लाउने आ जी, अपने गुरुआं दीआं वी लाउने आ, शहीदां दीआं वी लाउने आ संस्थावां दे विच, या फिर अपने जिहड़े लीडर ने सिरकट उहनां दीआं वी लाउने आ सिख लीडरां दीआं। सो ये कदम तो उन्हों का सही है, बाकी फोटोआं का भी उन्होंने मुद्दा उठाया कि वो फोटोआं RSS वाले ने लगियां। वो कहते भी स्कूल है ही संघ वाले का, हुण संघ वाले स्कूल पंजाब आए किवें, RSS के स्कूल हावी किवें हुए, पहले DAV स्कूल है, DAV कॉलेज है, वो आपां नूं पता शरेआम उन्होंने है, ये आए किवें, कौन लैके आया, किवें इन्हां दा बेस बनिया, हुण 2 सालों के पिछले आ नहीं गए ये, पर यह पंजाबी वाला सरकार पता लग गया कि सरकार बहुत छेती बहुत वड्डा एक फैसला लै रही है तो नोटिफिकेशन लैके आ रही है पंजाबी बारे, जो कि उम्मीद है चंगा होगा। जे बोर्डों की गल करिए 21 फरवरी तक तो टाइम दिता सी, तो मैं लगता भी तकरीबन लोगों ने ला ले होंगे, जब बहुत जगह जे नहीं लाए तो उन्होंने खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये भी हैगा। तो हुण इस विषय पर भी असीं गल कर सकते हैं स्कूलों के जे पंजाब के स्कूलों के, बाकी बाहर जो मर्जी करते करवाते नहीं करते ना करन, पर पंजाब के स्कूलों ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होंगी कि पंजाबी स्कूल ना पढ़ाई जाए। तो ये चीज़ पहला मैं सुनिया सी जदों भगवंत मान ने बयान दिता सी, पता नहीं 10वीं तक पंजाबी लाजमी हैगी आ, उदू बाद न्याणे पढ़न ना पढ़न, ये शायद पहले सुनिया सी, उहदा कोई नोटिफिकेशन जारी होया सी, उहदा कोई मता पास होया सी, विधानसभा नहीं होया सी, वो पता नहीं, वो हौली हौली पता लगेगा। पर फिलहाल ये है कि ये भी चर्चा का विषय बहुत बनिया होया। सर्व हितकारी स्कूल असी अक्सर देखिया प्राइवेट स्कूलों वाले बहुत लुटते ने, और सानू चाह हुंदा सिंध साहब की कॉल आई हुई है, तो कॉल आपां लै लैने थोड़ी एक दो खबरां होर जरूरी जिहड़ियां पढ़ लईए। तो एक तो चलो थोड़ियां इंट्रस्ट खबरां जिहड़ी परी दियां तो वैसे तो बालियां नहीं लिया, पर एक ही सामने आ गई कि शराब कहते बंदा पींदा तो टली हुंदा। तो एक मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिले की खबर है, थाने की वीडियो तुसीं देखी होनी है, उत्थे पुलिस ने नजायज़ शराब फड़ी सी 60-65 बोतलां, वो कहिंदे जी चूहे पी गए, 60-65 बोतलां चूहे शराब पी गए, जिन्हां चों एक चूहा गिरफ़्तार भी कर लिया, चूहा फड़ लिया पिंजरे ताड़िया होया, बाकी चूहियां दी कहिंदे भाल जा रही है। किन्नी अपने आप में खबर हैगी हैरानी वाली भी, चूहियां दे पता नहीं उन्होंने बेचारे ने पीती है कि उई उन्हां दे गल पाती पुलिस वाले ने पी पू, हो सकता आप लई होवे कि नहीं पता लगे हुण। ये बड़ी अजीबो जी खबर सामने आई है कि चूहा गिरफ़्तार कर लिया, बाकी चूहियां की भाल जारी है, तो जे फड़ लिया तो सज़ा पता नहीं उन्होंने की देंगे, हुण की सज़ा दे सकते हैं, जेल च पाउणगे की पाउणगे, पता लगे जेल च पाते तो होर कुतर कतर के चल गए। पर बड़ी अपने आप बड़ी अजीब खबर सी। तो बाकी एक MLA जिहड़ा हैगा गज्जण माजरा, वह भी फड़ लिया जी ED ने, पिछले साल भी उत्ते सीगा, 41 करोड़ का बैंक का लोन कोई लिया सी जिहड़ा उन्हें मोड़िया नहीं, तो उहदा भी नंबर लग गया, नंबर तो भाई लग गया, चंगी गल आ। तो मैनू ना यूबा श्री नगर कीर्तन च बंदा एक कहिंदा आ कि भी भाई साहब जे मान साहब नाल गल होवे ते उहनां नूं क्यों मेरे वल्लों सुनेहा दिओ, मैं कहा जी किहड़ा सुनेहा दिओ, भी मान साहब बकरे फड़ी ते जाने हो, इहनां चों इक दा झटका भी दिओ जिहड़े फिर कम सूत आउणा है। वैसे तो सारे झटकाने चाहिए जिन्हें भी है, सुखपाल खहरा हजे कोई राहत नहीं मिली ये भी, क्योंकि ये बड़िया उच्चिया गल्लां ने, किनू राहत मिलनी, किनू जमानत मिलनी, किनू नहीं मिलनी, किनू फायदा होना, किनू नुकसान होना, इस करके कह सकते हैं भी उन्होंने हजे कुछ नहीं हुई। मनप्रीत बादल का उस बाद कोई सिर पैर नहीं, कुछ नहीं पता लगा। तो गज्जण माजरा जरा ये माजरे वैसे बहुत ने चंडीगढ़ के नेे, जो साढ़े दर्शकों को पता होगा, मनी माजरा, संते माजरा, गज्जण माजरा, पठान माजरा, खूनी माजरा भी हैगा, एक होर बड़े माजरे ने, ये नाम पाए किवें कि बाद गल जरूर करांगे। तो उधर केजरीवाल नूं ED दी आ गया जी कहिंदे सम्मन ते, और ये कहा जाता कि भाई इउं लगता कि केजरीवाल नूं किसी भी समय गिरफ़्तार कर सकते हैं, तो नाल वो कहिंदे भी भाई जे तुसीं गिरफ़्तार हो भी गए तो कोई नहीं, थोनू जेल दे विचों इन्नी कु खो जिहड़ी छोट देवांगे, भी तुसीं अपनियां मीटिंगां जिहड़ियां उत्थे करनियां वह जाके वीडियो तो करके कर सकते हो, कोई ऑर्डर देना, कोई कुछ करना, जाने कि तुसी जेल दे विच भी मुख्यमंत्री रहोगे। ये फिर उही गल आ गई राजनीति वाली कि राजनीति का भाई कुछ नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर नूं कहा है, ये भी एक खबर मीडिया की, देखो कितों है, मीडिया की भी ला लो या सरकार पंजाब की भी ला लो,
सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर जिन्ने सारे ने उन्होंने कहा कि पहला तेलंगाना दे विच भी शायद लोड़ पई सी परमिशन लैन की उन्होंने विधानसभा सैशन सदन लई यह कहा कि गवर्नर एक बेनती करदा भी यह जो विधानसभा सैशन है ये सदन कोई इलीगल सैशन नहीं है जदों वो सदन तुहानू परमिशन देनी चाहिए आ इहदा चलो पंजाब सरकार तो थोड़ा हौसले च आई आ मीडिया कहिंदा जी पंजाब दे गवर्नर नूं सुप्रीम कोर्ट ने पाई फिटकार लाता खूंज सरकार दी बल्ले बल्ले भाई उन्होंने गवर्नर नूं नहीं गवर्नरां नूं सारिआं नूं कहा यह सलाह दित्ती है भी तुसीं भाई ये काम जिहड़ा करदे हो इदां ना करो। मीत हेयर साहब दे विआह दी वाहवा चर्चा है चलो जी वधाइयां साडे वल्लों जस पंजाबी वल्लों ते नाल नाल सुप्रीम कोर्ट ने पराली साड़न दे जिहड़े हैगे ने ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 52 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ 52 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ 20 ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਸਿਰਫ जिहड़े 52 ज़िले च आए हैं सब तो वध प्रदूषण च पर जिम्मेवार फिर भी पंजाब है ये नाल होर भी असीं गल्लां बात करांगे थिंद साहब की कॉल लै लईए फिर ज़्यादा वेट ना कराइए की विचार ने उन्होंने की नगर कीर्तन थिंद साहब सत श्री अकाल जी स्वागत है जी जी बहुत बहुत स्वागत है जी काफ़ी लंबे समय बाद देखा जी यूबा सिटी का सारा कि गए सी उत्थे घरे देखा अच्छा पराली दा हां जी उन्होंने पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान ते दिल्ली नूं पंजां नूं कहा जी पर रौला ज्यादा पंजाब दा पै रहा पंजाब सरकार नूं पाई फिटकार बिल्कुल गलत पै रहा मैं बिल्कुल अपडेट कर दूं हां जी उन्हें पंजाब स्टेट ऑफ स्टेटस सपोर्ट मंगी है इंक्लूडिंग सेंटर कि तुसी अपनी अपनी कारगुजारी सानूं दसो तुसी की स्टेप लए हैगे जी ते कल्ले पंजाब नूं नहीं किया ए एमई रौला झूठ बिल्कुल जी पंजाब सरकार को लगाई फिटकार अगर फटकार लगी है किसे नूं लगी ओ लगी केजरीवाल नूं तेरा कित्थे आ स्प्रे भाई हां जी या दिल्ली च छिड़कदा फिरदा हुण पंजाब च क्यों छिड़कदा फटकार बिल्कुल पवित्र पाक साफ कोई नहीं गल वर्गा माड़ा बंदा कोई नहीं बिलकुल ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੁਲਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਜਨਰਲੀ ਹੈ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ दुनिया भर च किड्डा वड्डा सुनेहा जांदा बहुत मंदभागी गल है बहुत ही मंदभागी गल है हां जी साडे जिन्ने मर्जी अपने डिफरेंसेस और मतभेद होण मनभेद होण कुछ भी होवे सानू गुरद्वारा साहब जाके एक काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये उत्थे एक ता साडी एक होर घटना मेरे सामने जिहड़ी होई है सहनशीलता खत्म हो गई ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ
तो उन्हें भी अगर कहता भी भाई मैं तो दूर हो जूँगा, मेरे बिना मीडिया बिना नहीं काम चलना, तो तू अगर नहीं होएगा नगर कीर्तन तेरे बिना काम चल जू। उत्थे हाइदा तू हुंदी हुंदी बची भी, मतलब कि है ही नहीं सहन शक्ति। वो फोटो खिंच रहा सीगा नहीं इत्थे भी एदा ही शू तकरीबन हुण जिन्ने भी असीं मोस्टली नगर कीर्तन कवर कीते आ आ सेम सिस्टम रखते ने, लिया के नवे शू वगैरह वो देंगे ने, वो एक एक रंग के जिदा वाइट वगैरह तो मोहरे जोड़े होंगे जी। हाँ जी, हाँ जी, मतलब कहण का भी वह चीज़ मैनेज जी करनी चाहिए है, कुछ बहुत सारे लोगों वो चीज़ है नहीं। आ भी जी लड़ाई भी हुई है, ये भी शायद कोई स्टाल लाया सी किसी ने अपना, तो वह कहता भी इतने मेरा लगता सी, कहता मेरा लगता सी, चलो दे डांगा तो डांगा चल पी। बड़ा इस तरह सिंह साहब जी सोचने वाली गल, फिक्र वाली गल यह है कि गांह परमिशन का कि यूबा सिटी परमिशन बहुत औखी मिली है, वह भी ता कि यूबा सिटी में बहुत सारे ऑफिशियल पंजाबी ने उन्होंने की करोगे जी। कबड्डिया के ये हाल है, देख लो कबड्डिया के भी कितने ना कि कोई ना कोई पंगा, गोली चल गई, आ हो गया, वो हो गया, तो बनूगी गांह पंजाबी ने। यह वाकई थिन साहब कित लगता कितने ना कि वाकई जान बुझ के खराब करने की भी कोशिश की जा रही हो सकती है। पक्की गल है, कबड्डी जान बुझ के खराब कर दिए पर जी बहुत ही मंदभागी गल हो जाती है। गुरु घर तो शिक्षा लैन जाते हैं, बिल्कुल असि उत्थे एक स्कूल वास्ते जाने, असि उत्थे एक अपना शरदा के फुल चढ़ाउण जाते हैं, जां अपने जीवन नूं पवित्र जा करन जाते हैं, ते उत्थे जाके असि उहदी माड़ियां करतूतां करिए ते परमात्मा नूं जिहड़ा असि नां लैंदे कि सानूं बख्श देंगे। बिल्कुल, और मैं महसूस करदा कि जिहड़े इदां दी करतूतां करदे उहनां नूं इसे जन्म च भुगतना पएगा, अगले जन्म किसे ने नहीं वेख्या। बिल्कुल जी, पर बहुत सची दुख बहुत होंगे जी, ये जो तो गुरु घर करके भुगतना पेगा जी। जी जी, तो थिन साहब थोड़ा जहा चाना पा दो जी, एस जी पी सी पातशाह उन्होंने बिल्कुल अपना जो उन्होंने गुनाह किया सच्चे पातशाह उन्होंने जरूर सजा। तो थिन साहब एस जी पी सी का भी थोड़ा जहा पा दो चाना, की विचार लगते ने एस जी पी सी ने जितते जाना अपने ईजीली ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਅਕਸ ਅਕਸ ਵਧੀਆ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਟਰਾਵਰਸੀ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਬੜਾ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਕਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ पंगा पिया उदो ही पंगा पै गया ना जी, जो होने लगा सी उन्होंने रोकिया बिलकुल बिलकुल। चलो मेहरबानी जी, थिन साहब बहुत थोड़ी अर्जन सिंह अंजान साहब जी, सरदार अर्जन सिंह अंजान जी, तो वो बधाइया देंदे सीगे पर उन्हां दा फोन हुण लग नहीं रहा, मैं जे फोन तुहाडा होल्ड तुसीं शायद रख्या होया तो वह सही तरीके नाल उहदे ते रख नहीं होया रिसीवर जिहड़ा, तो तुसीं अंजान साहब इधरों कॉल कर लो, दो मिनट सानूं आशीर्वाद हो जांदा, सानूं हौसला हो जांदा कि वाकई काम जिहड़ा भी साडे को ठीक होया, गांह वास्ते काम करन दी सानूं होर समत जिहड़ी है परमात्मा बख्शे वधिया काम करन दी। वैसे जो तक सानू फीडबैक आई है नगर कीर्तन की, वो यही आई है कि घरां दे विच बैठे दर्शकों नूं उत्थे की होया की नहीं होया, घरां दे विच बैठे दर्शकों नूं एक एक चीज़ एक एक कोणा जिहड़ा असीं दिखाउण की कोशिश की आ। नगर कीर्तन दे विच वख वख जगह कैमरे लगे हुए सीगे, कैमरे नाल भी चलते सीगे फ्लोर ते,
नगर कीर्तन के कैमरे फरोड के उपर भी लगे हुए थे, कैमरे गुरु घर के अंदर भी लगे हुए थे, सारे तो हर चीज़ा असी वो दिखाइया। सो सब का बहुत बहुत धन्यवाद नाल जिन्ने भी पंजाबी उत्थे आए दर्श आए ने साडे कोले, जिन्ने भी मिले ने बहुत ज़्यादा पंजाबी उत्थे अपने दर्शक मिले ने जिहड़े साडे दर्शक सी प्रोग्राम देखदे सीगे। ते हाँ सच मैं एक मुआफ़ी भी जरूर मंगनी चाहुंना भी जदों तक टाइम हुंदा सी उदों चलो मिल मुल लईदा सी, मिनट दो मिनट खड़ के गल कर लईदी सी, ते चलदे लाइव च बिजी बहुत सीगे, भज दौड़ बहुत सी, उदों फिर हो सकदा बहुत सारे दर्शकां ने गुस्सा कीता होवे, पिछों भी आवाज़ मार के कहा बस इदा उदा, उन्होंने मैं हाथ बन के माफ़ी मंगदा भी वैसे मेरी मेरे सुभा सब नूं पता है। मैनूं बड़ी खुशी हुंदी जदों कोई मिलदा, मैनूं बच्चे इन्ने मिले छोटे बच्चे उन्होंने मैनूं होर ज़्यादा खुशी हुंदी आ, ये लगता भी जे बच्चे 14-14, 15-15 साल के मैनूं जानते ने मेरे नाल फोटो खिचा रहे ने तो यदा मतलब ये चैनल देखते ने, पंजाबी हजे आने वाले समया के जिंदा रहूगी, पंजाबी नूं कुछ हुंदा नहीं। सो ये चीज़ जिहड़ी है मैं उहदे वास्ते माफ़ी साडे दर्शकों को पंजाबियों को मंग लैना। बाजवा साहब की कॉल आ गई है ये आप ले लें, अंजार साहब की कॉल जी अगर आएगी तो वह भी ले लेंगे। डॉक्टर बाजवा साहब सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी हाँ जी सत श्री अकाल जी जगतार जी, मैं क्या काफ़ी दिन बाद विचार साझे करने बनते हैं। देखो बड़ी रौनक ला रखी तुसी उत्थे युवा सिटी जा देखिया जी, सारा बहुत ही कट सीगा की डॉक्टर साहब सारा ही, ते असी तो 2 लाख का आइडिया लाउंदे सी पर अमेरिकन मीडिया वो कहिंदा भी 3 लाख लोग होउगे। हां नहीं बहुत लोग सी उत्थे, अपने वे यार दोस्त जिहड़े आए सी शिकागो तो संगत काफी सी आई है। हां जी हां जी संगत दे विच, हां जी हां जी, ते बिल्कुल जी, ते डॉक्टर साहब हां जी हां जी हां जी, आ 2-3 विषय ने जी इन्हां ते चानना पा दिओ। हाँ मैं एक तो ही मैं पाना, देखो आए साल सारा साल पहला रौला पैंदे रहना भाई झोना पानी खा गया, पानी डिप्लीट हो गया, ये हो गया वो हो गया जी, आए साल दोबारा अपना उन्ना ही झोना फिर बीज फिर बीज। अच्छा हूँ अगो गल जी इन्नी डिबेट होंगी फार्मर विच, हाँ जी ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੈ ਦੋ ਜੀ ਦੂਜਾ ਲੈ ਦੋ ਜਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਆਏ ਸਾਲ 32-35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਕਰੂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਜੇ ਲੈ ਲਓਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਬੀਜੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਕੈਮੀਕਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, 10,000 ਦੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬੀਜਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਝੋਨਾ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਚੋਂ 60,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, 12 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਹਿਡਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇਸ ਫੂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆ। 70% ਬਿਮਾਰੀ, 13% ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਜੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣਦੀ ਆ 32 ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਨ 85-86 ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 5,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਚ ਗਈ, ਅੱਧੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ 2,000 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਉਹ 7,000 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਜੋ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, 700 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਝੋਨਾ ਅੱਧਾ ਕਰਾ ਦਿਓ,
ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਪਸ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ 83 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ 1 ਕਿਲੋ ਫੂਡ ਖਾਣ ਚੌਲ ਤੇ ਆਟਾ ਸੀਰੀਅਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 38,000 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਜਿੰਨਾ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੋ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਜੀ ਇਹ ਲੋਹਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਕਈ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ 510 516 ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੀ ਬਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੋਂ ਉੱਠਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1-2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਪਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਫੜ ਗਏ ਜੀ ਫੜ ਲਿਆ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਘਰੇ 5-6 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਇਸੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੀਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਖੜਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਫਲੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਖੜਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸੰਘਾ ਦੀਪਕ ਧਮਾਨ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਟਿਕਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ 6 ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਦਾਂ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਾਂ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਲਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਚੰਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਅੰਗ ਵਿਅੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਲੱਖਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਲੱਖਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੜੇ ਲਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ? ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀ ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਰਿਟਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਟਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ? ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ 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 ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਇੱਥੇ 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 ਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ RSS ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ? ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਬੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਠੰਡੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਅੰਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਫੋਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।